गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय 9th व्लॉग। और जैसे कि आपने देखा कि कल मैं शादी से आया था सीधा अपने भाई के घर, और अभी अभी मस्त होकर उठा हूँ, मतलब एकदम मस्त नींद आई। यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, देखो मैंने स्वेटर डाल रखा है, टी शर्ट अलग से डाल रखी है, तो यहाँ पर मतलब कि अब बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और अभी मम्मी वगैरह आएँगे घर से सामान लेके, तो मैं होऊँगा तैयार और फिर हम जाएँगे शादी में वाकना घाट। तो यार अभी अभी मैं नहा के आया था, और अब यहाँ पे हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तो अभी मम्मी वगैरह मेरे कपड़े लेके आएंगे, तो मैं तैयार होऊंगा और फिर हम निकलेंगे यहाँ से शादी के लिए। आज वहाँ पे हल्दी वगैरह और मामा का स्वागत है, तो हम वहाँ जाएंगे। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, मतलब रात को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और अब यहाँ पर काफ़ी मौसम गर्म हो चुका है। रात को तो मैं स्वेटर पहन के सोया था, और ऊपर से एक कंबल और एक रजाई ली थी मैंने, इतनी ठंड थी यहाँ पे, और अब काफ़ी गर्मी हो चुकी है। मतलब मौसम देखो यार, एकदम चेंज हो चुका है ना, और अप्रैल के महीने में काफ़ी जगह बर्फ़ भी गिरी है, काफ़ी जगह, मतलब सिस्टम इकोसिस्टम पूरा हिल चुका है। तो अभी मम्मी वगैरह आ चुके हैं यहाँ पर, और मेरे को बुलाया सामान लेने, और मैं सामान लेके जाऊँगा नीचे को। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना यही रह गया कि सामान भरो, सामान निकालो और सामान लेके घूमते रहो। ये देखो मेरी हालत, और मेरी मम्मी कह रही है कि मेरे पास हल्का सामान है, जो इनके हाथ में 2 कोट है वो भी मैं उठा लूँ। हाँ ये देखो, ये 3 बैग और 1 मैंने पीठ में लगाया हुआ है, मतलब हद ही है यार। शानू कर रहा हूँ ना कुछ, अभी पहले यहाँ पे मैच खेला करते थे ना, अब तो सब कुछ बदल गया, हुआ घर 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 बन गया सब जगह ना। अच्छा कितने मज़े करा करते थे यार यहाँ पे, यहाँ फसल ठीक लगती लोगों के, घर घर घर। पहले यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते सारे मिलके, तो खेत कुछ डाउन लग रही है, मेरे को डाउन कर दिया उन्होंने ना खुदाई करके, डाउन। पहले एक ही लेवल होता था ना इनका खेतों का, अब सब कुछ ही बदल गया है टाइम के साथ साथ, सब कुछ चेंज होता हुआ। अभी हम घूमने गए थे, और अभी हम आ चुके हैं घूम के, और अब हम होंगे तैयार, और उसके बाद जाएंगे हम लोग शादी में, सब तैयार हो रहे हैं, हम भी तैयार हो जाते हैं। मेरे कपड़े, अब मैं आता हूँ तैयार। मतलब कि यार अभी हम गए थे ना घूमने परे, मतलब कि खेतों की तरफ, तो सब जो प्लॉट्स प्लॉट्स में मतलब कि वो बन चुके हैं घर। पहले वहाँ प्लेन खेते हुआ करते थे, हम खेला करते थे, मज़ा करा करते थे, पर वही है टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है अब। चलो क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग हो चुके हैं तैयार, और थोड़ी देर में निकलेंगे हम शादी के लिए। बस यार देखो, हम तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, पर जो तैयार नहीं होते हैं वो आपको पता है कौन जल्दी तैयार नहीं होता है। तो बस कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं, जो तैयार होने हैं अभी, तो फिर हम जल्दी ही निकलेंगे हम यहाँ से सीधा शादी के लिए। अब शादी कहाँ है, वाकना घाट में या कंडा घाट में, मेरे को इतना कन्फर्म पता नहीं है, पर जहाँ भी है मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये नहीं पता कि मेरे को कहाँ पर शादी है, तो मम्मी जहाँ भी मिले चलेंगे पापा, वहीं हम जाएँगे, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि हम कहाँ जाएँगे शादी में। और यार देखो ना, अपने नानके से सबके इतनी सारी यादें जुड़ी होती है कि हम बता नहीं सकते यार। मतलब कि अब यहाँ पे इतना सब कुछ था ना, कि हम पहले यहाँ खेला करते थे, यहीं रहते थे, मतलब हफ्ता हफ्ता हमने यहीं काटना है, तो बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं यार। पर वही अब टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, वो अपना घर हो या फिर अपने किसी रिश्तेदार का घर हो, तो सब कुछ टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो आप लोग ये बताना अगर आपके कोई ऐसी खास यादें होगी अपने नानके से रिलेटेड। मेरी तो एक ही है कि एक बार मैं और मेरे मामू का लड़का हम जा रहे थे साइकिल पे, तो वो उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो वो साइकिल पिछले वाली सीट पर बैठ के चला रहा था, और साइकिल में ब्रेक्स नहीं थी, तो हम दोनों इतने ज़ोर से गिरे थे, वो भी स्कूल की लड़कियों के सामने, हम क्या ही बताएं, मतलब खतरनाक ही सीन हुआ था एकदम, और बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी हमारी सबके सामने। तो आप लोग भी बताना अगर आप लोग में कोई ऐसी यादें होंगी तो ज़रूर शेयर करना। हम लोग आ चुके हैं सड़क पर, और यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, अभी हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा शादी में। फिर मैं आपको रास्ते का व्यू तो नहीं दूंगा यार, मैंने पहली बार थी बार दिखा दिया है, तो फिर अब हम सीधा जाएंगे, और मैं आपको सीधा शादी में ही मिलूँगा।
वो भी आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं होटल के पास से, तो मतलब कोई आया नहीं है, तो हम उनका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हमें जो गाड़ी चला रहे थे ना, भगवान की कसम ऐसा लग रहा था कि बस जाने वाले हैं, अपनी बसते हैं। और चलो पहुँच गए हैं, अभी करते हैं सबका इंतजार। और आप पीछे व्यू देखो यार, एकदम मस्त। तो अभी तक हम सबका इंतज़ार ही कर रहे हैं, इतनी देर हो चुकी है और कोई नहीं आया अभी तक। मतलब हद होती है यार, क्योंकि आप कोई फंक्शन करा लो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी काम टाइम पे हो, हर चीज़ टाइम से लगी होगी। अब देखते हैं कब तक सब आते हैं, बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी। मम्मी पापा सब लोग आ चुके हैं, पर नानकी अभी तक नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? लेट नहीं हो गए मम्मी सारे यार, लेट नहीं हो गए? तो आखिरकार फाइनली अब सब आ ही चुके हैं और अब हम जाएंगे अंदर, और अब मैं दिखाऊंगा आपको अंदर का व्यू एकदम बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ जादू की चीज दिखाऊंगा। अरे घूम सही, हट जा यार, तू पागल है क्या? ब्लैक है, ब्लैक है, लगा नहीं आगे स्वाद नहीं, चिपका के रखा है ये मेकअप, हाथ और मुंह, ये मेकअप चिपका के रखा है, इसका हाथ और मुंह लगा इसके मेकअप। फ्रेंड्स बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे पेंट निकल चुका है, तभी हम डेंटिंग वेंटिंग कराएंगे रास्ते में जाके। हाँ ये हाई भी निकल चुका है बीच में से थोड़ा सा, अब हम इसको रिपेयर कराएंगे। जल्दी जल्दी खा ले, फिर मौसम काफ़ी ठंडा हो गया ना, मतलब अब तो ना मेरे को आदत सी होगी कि मैं कुछ भी काम करता हूँ फ़ोन निकल जाता है, पर अंदर से जो हेजिटेशन है ना वो पता नहीं कब निकलेगी, ऐसा कुछ आने फ़ोन निकालने की। जल्दी निकल जाए तो ठीक है, स्नैक्स खाएँ, स्नैक्स खाएँ, फिर हम करेंगे डिनर और उसके बाद जाएंगे हम सीधा मम के घर और फिर हम करेंगे इसके बाद ब्लॉग को एंड। आज सुबह तो मैंने कुंडली पढ़ी थी ना, अपने कुंडली नहीं क्या बोलते उसको, राशि 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 पढ़ी थी, तो राशिफल पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि आपका वैवाहिक जीवन खुशी से भरा रहेगा, मतलब कुछ भी हद दी है। और क्या लिखा था कि हाँ तली हुई चीज़ें खाना आपके लिए अशुभ है, तो मैंने तली हुई चीज़ें नहीं खाई है। कोरोना टाइम में शादियाँ ऐसी हो गई है ना कि बिना मास्क के तो अलाउड नहीं करते बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से आजकल तो रेड भी पड़ रही है, मतलब कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा गेस्ट आ रहे हैं ना, नहीं गांव में तो नहीं यार, अगर आप ऐसे कहीं बाहर शादी कर रहे हो ना तो आपकी रेड भी पड़ सकती है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा गेस्ट एक्स्ट्रा लोग आए हैं ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, ऊपर से पेनल्टी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा जितने गेस्ट अलाउड हो उतने ही बुलाना शादी में, और सबके पास मास्क जरूर हो। ओम नमः शिवाय।
हमने कर लिया सारी पेट पूजा और अब हम जा रहे हैं घर की और काफ़ी अच्छा खाना बना था, सब कुछ बहुत अच्छा था और मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ठंडा और आज कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू में ना आज तो वापस कैसे जाएंगे आप? आपकी कोविड की रिपोर्ट खाएँ क्या क्या कोविड की रिपोर्ट खाएँ आपकी तो हम अब करते हैं इस ब्लॉग के ही एंड और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, बाय।